हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं जाने वाली हूँ कहाँ। कल के व्लॉग में आप लोगों को पता चला होगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ आज। तो लाइट आई है, 4:30 हो रहे हैं, लाइट आ गई है, कपड़े प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद जाके रेडी होते हैं, क्योंकि फिर हमें जल्दी पहुँचना है, क्योंकि दूर है घर, करीब नहीं है, तो जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे। तो चले पहले फटाफट से जाके कपड़े प्रेस कर लेते हैं और उसके बाद तैयार होते हैं। यहाँ मैं कर रही हूँ एस्टिल के कपड़े प्रेस, देख सकते हैं आप लोग, एस्टिल के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, फिर उसके बाद अपने करूँगी। जैसे हमें यहाँ पे रेडी हो रहे हैं और वफा भी गई हुई है नहाने, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं फुल लुक उधर में आगे आओ। तो भाई ये मेरी फुल लुक है और मैं रेडी हो चुकी हूँ, सिंपल सा मेकअप करती हूँ मैं ना, फुल मेकअप मैं करती हूँ। ये पीछे से कौन भी बोल रहा है, आई डोंट नो कौन बोल रहा है ये पीछे से। तो भाई मैं रेडी हो चुकी हूँ हल्का फुल्का सा, और उस ऐसे भी रेडी हो चुकी हो रही है, उसे भी आओ। तो उस ऐसे भी रेडी हो चुकी है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, लाइट लाइट से मेकअप किया मैंने। भाभी हो रही है तैयार, भाभी ने कपड़े नहीं पहने हैं तो जो रही है जल्दी हो जाए, टाइम नहीं है इतना, जल्दी हो जाए क्योंकि टाइम क्या हो रहा है। और यहाँ पे घर में तैयारी क्या चल रही है, क्या हो गया, यहाँ हो चुकी हूँ मैं, देख सकते हैं आप लोग रेडी, तो चलो चलते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, मेरे बगैर पिक्चर्स ले रहे हो। आ जाओ, पहले तो बोला था आ जाओ। ये बड़ी शक्ल होते हैं, रेडी हो चुके हैं और वीडियो के अभी पिक्चर्स वगैरह हो रही है। चलो जैसी आ जाओ, अरे मेरे पास पैसे लाओ, मैम आ जाओ, हमको पीछे दे दो फिर। देख लो सर, हाथ तो बोल रहा हूँ यार, सर हाथ तो सही है उसका, ठीक है चुपके से गाड़ी पे सवार होके। और यहाँ हम इफ्तार से ठीक 2 मिनट पहुँच चुके थे, तो हम सब जब ही फ़ौरन बाजी ने दस्तरखान लगा के रखा था और हम आते ही दस्तरखान पे बैठे हैं, क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया था। ये मेरी सिस्टर हैं बड़ी वाली मुझसे, और उनके बराबर में जो खड़े हुए थे इससे पहले वो मेरे बहनों ही हैं, मेरे सिस्टर के हस्बैंड हैं, ये सब भाई बड़े, उसकी जेठानी ने, बाजी की जेठानी ने बना के भेजे थे मेरे लिए। और ज़्यादा कुछ अहतमाम मैंने कहा था करना नहीं, फिर भी उसने पकौड़े वगैरह बना लिए थे। और अब ये लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो असल कह रहे हैं मैं घर जा रहा हूँ, माम को कह रहे थे, तंग कर रहे थे माम को। ये बाजी की जेठानी की बेटे की बेटी है आयत, इसका नाम आयत है, बहुत क्यूट सी है ये भी, बहुत गोगलू गोगलू सी। और यहाँ पर बाजी ने मंगवाई थी इन लोगों के लिए पठान की चाय, अम्मी के लिए और अप्पी के लिए, तो अम्मी को भी बहुत पसंद आई और अप्पी को भी बहुत पसंद आई। बाजी की तरफ की जो पठान की चाय होती है ना, वो बहुत ही मज़ेदार होती है, मैं कभी चाय पीती नहीं हूँ। और यहाँ उज़ैफ़ी को आ रही थी नींद, माम खेल रही है उमैमा के साथ, ये बैठी हुई वरीशा। दस्तरखान इसलिए बिछा हुआ है क्योंकि मैक्रोनी रख दी थी यहाँ पे मैंने लाके, बहन तो बहन है ना, बहन तो काम करवाती है, चाहे दावत हो या कुछ भी हो, तो यहाँ पे हम लोग खड़े हो गए थे, मैं खड़ी हो गई थी काम करने के लिए। पहले मैक्रोनी वगैरह हम लोगों ने खाई, फिर उसके बाद उसने बिरयानी बनाई हुई थी बाजी ने, पहले मैंने टेस्ट कर चुकी हूँ, अफ्तार में मैंने टेस्ट कर ली थी, तो बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी लगी मुझे। और ये अम्मी बैठी हुई, सबको बुलाया हम लोगों ने, फिर हम सब ने बिरयानी और कबाब थे, कबाब बनाए थे बाजी ने, बिरयानी कबाब मैक्रोनी ये सब चीज़ें बनाई हुई थी। अम्मी आ गई खाने के लिए, खाने पे बैठ गई अम्मी भी, फिर हम लोगों ने बहुत ही इत्मीनान से अपना डिनर एंजॉय किया। और मीठे में बनाया था बाजी ने कस्टर्ड, तो वो हमने कस्टर्ड खाया है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ मैं खा रही हूँ।
और यहाँ पे ये बाजी अपना ड्रेस दिखा रही थी जो उसको मिला है गिफ्ट में। बाजी कह रही थी अच्छा है स्टिच है देख लो, तो मैं वो देख रही थी। घर नहीं जाना है क्या? ये किसके बम बम दाढ़ी है? ये चले चलो 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 चलो, ये मुझे दे दो, ये मुझको दे दो, ले लूँ मैं मैम, ले लो देख लो, दे दो कि ना फिर चलो चलो टाटा। चलो गाड़ी तो स्टार्ट करो, शीशा खोलने देना ही, अब हवा अच्छी आती है रात के टाइम। हंसी आ रही है उधर को देख देख के। ये सब्जियां भी बहुत महंगी हो रही है। हम लोग आए थे तो हम लोग ब्लॉग पर आए थे सब्जियों के। नहीं हंसी आ रही है। ये दिलाई जीजू ने मुझे बहुत सारी यू चॉकलेट जो मुझे बहुत पसंद आई थी, उज़ैफी ने मुझे खिलाई थी, तो यहाँ पर नहीं मिलती। तो जीजू ने कहा कि तुम जब जाने लगोगी तो मुझे बता देना। तो फिर जीजू ने इतनी सारी चॉकलेट्स दिलाई, ये मैंने रखी ड्रॉ के अंदर। अब पूरा रूम देखे चूड़ियाँ वगैरह सब कैसे फैली हुई है। ये आ चुके हैं हम लोग बाजी के घर से, अब पूरा कमरा समेटना है। ऐसे कपड़े वपड़े सब फैले हुए हैं, पूरा कमरा समेटेंगे, पहले चेंज कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। देख सकते हैं नोज़ पे ऑयल कितना आ रहा है, तो पहले चेंज कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद समेटते रूम। तो ज़रा बताएं खाना कैसा लगा आपको और सब कैसा था? खाना अच्छा था, माशाल्लाह से जल्दी पहुंचा दिया तुम्हारे को मैंने, 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले इफ्तार से पहले पहुंचे। और शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने हमें पहुंचा दिया। करो वही अच्छा है, हंस के दिखा बेहतरीन था। और मीठे में थोड़ा हल्का था क्योंकि मीठा में शौक से खाता नहीं है, तुम लोग खाते हो, तुम्हें अच्छा लगा। और कबाब भी अच्छे थे, और सबसे मेन चीज गुलाची रखी हुई थी जो मैं खाता हूँ, क्योंकि उन्होंने व्लॉग में देखा है ना कि आप गुलाची खाते हैं, इस वजह से उन्होंने गुलाची मंगवाई। बात है पता होना चाहिए आपके कार में एहतराम साली साहब है जो बात है, जी जी की तो बात ही अलग है। चलो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं हम लोग, मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।